एवरीवन स्वागत है इस चैनल व्हाट आर द बेसिक रीजंस है वो सबसे एसेंशियल है वीडियो को एंड तक देखना एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल दिस इज सलोनी योर वेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में दैट व्हाट आर द बेसिक रीजंस कि स्टूडेंट्स अपने आईएलटीएस के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते या फिर कोई और इंग्लिश के टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट द थ्री बेसिक रीजंस जो ऑफन स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं कि वो इन्हीं कारणों की वजह से अपने आईएलटीएस को क्लियर नहीं कर पाते या किसी और टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते सो मैं आपको वही तीन रीजंस बताऊंगी और जो थर्ड रीजन है वो सबसे एसेंशियल है सो आपको क्या करना है इस वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट यू कैन ऑल्सो कम टू नो कि कहीं वो रीजन आपका तो नहीं सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो द फर्स्ट एंड द वेरी एसेंशियल जो रीजन है जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट नहीं आते वो है कि स्टूडेंट्स यूजुअली अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करते टू एलेबोरेट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमेजिन आपकी टीचर ने आपकी राइटिंग स्किल्स या आपकी रीडिंग स्किल्स को आपको मेजर करके आपको चेक करके आपको स्कोर्स दी ठीक है देन व्हाट हैपेंस कि आपको आपकी गलती का पता चल गया बट व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट डे मतलब द नेक्स्ट कमिंग डे सेम मिस्टेक्स आप ही की रजिस्टर्स पे फिर से पाए जाते हैं सो इससे क्या पता चलता है द फर्स्ट थिंग विच यू कम टू नो इज कि यू डोंट वर्क ऑन योर मिस्टेक्स सबसे पहली बात यह कि आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम ही नहीं करते जब तक आप अपनी कल वाली मिस्टेक को आज ठीक नहीं करेंगे या उनको घर जाके एनालाइज नहीं करेंगे दैट व्हाट यू नीड टू इंप्रूव फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज तो तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा द सेकंड रीजन व्हाई स्टूडेंट ऑफन फेल इन द एग्जाम या फिर व्हाई स्टूडेंट्स ऑफन डोंट गेट वेरी गुड बैंस इज दैट कि स्टूडेंट्स जो है दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन मतलब कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते होता क्या है दैट यू हैव सेट योर स्केड्यूल आपने अपना एक स्केड्यूल टाइम टेबल बनाया था फॉर द होल डे कि मैं इतने बजे तक ये करूंगा इतने बजे तक ये करूंगा इतने बजे तक ये करूंगा देन व्हाट happens कि आपने स्टडी को सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया होता है और कभी भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मतलब अपने स्केड्यूल को चेंज करके छेड़छाड़ करके कुछ चीजों को अवॉइड करके कि जैसे आप फोन इतनी देर तक अगर 5 घंटे तक फोन चलाते थे तो आप अपने फोन चलाने की टाइमिंग को कम नहीं करेंगे बल्कि स्टडी को उतना ही टाइम रहने देंगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा मुझे बताओ जब तक आप अपनी किसी ना किसी आदत को किसी ना किसी एक्टिविटी को कम करके अपनी स्टडी टाइम को ज्यादा नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा सो ये था सेकंड रीजन कि क्यों स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से मतलब जैसे वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करना चाहते हैं ना टाइम बढ़ाना चाहते हैं और ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं जो थर्ड रीजन है दैट इज द मोस्ट एसेंशियल वन स्टूडेंट ऑफन लाइक आर लिमिटेड विद देयर टाइम कि वो चाहते हैं कि हाँ मेरे इस फ्रेंड ने मेरे इस रिलेटिव ने 1 मंथ में किया था तो फाइन आईएलटीएस 1 मंथ में हो जाएगी टॉफल 1 मंथ में हो जाएगी इट्स नॉट अ बिग डील बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है हर स्टूडेंट का अपना एक इंग्लिश का लेवल होता है बिकॉज एक ब्रदर सिस्टर को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप इमेजिन करो आपके घर में अगर आपका ब्रदर आपका सिस्टर है तो योर लेवल इज नॉट इक्वल्स टू योर सिस्टर्स और योर ब्रदर्स लेवल सो अगर ब्रदर सिस्टर का लेवल सेम नहीं है तो आपके रिलेटिव ने अगर 1 मंथ में की तो इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो क्रैक द आईएलटीएस एग्जाम इन 1 मंथ आपका अपना कैलिबर है आपकी इंग्लिश का अपना लेवल है आपकी अंडरस्टैंडिंग का अपना लेवल है आपकी चीजों को अपने अंदर एक्सेप्ट करके उसको मतलब कि अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करने का अपना तरीका है मे बी यू कैन टेक टाइम और मे बी यू आर वेरी फास्ट टू गेट द थिंग्स तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आई एम नॉट सेइंग कि 1 मंथ इज इनफ 2 मंथ्स आर इनफ और 3 मंथ्स आर इनफ मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 1 वीक में भी आइल्स की है एंड 15 डेज में भी आइल्स को क्लियर किया है सो मैटर क्या करता है दैट आपका कैलिबर क्या है अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं एंड यू हैव गॉट अ स्कूलिंग फ्रॉम वेरी गुड स्कूल लाइक CBSE एंड ICSE या ISE बोर्ड से हैं सो चांसेस ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स की वो जल्दी आइल्स को क्रैक कर सके बट इफ यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट वो भी सभी केसेस में नहीं कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं पंजाब स्कूल बोर्ड के एंड वो बहुत अच्छे और जल्दी तरीके से आइल्स कर लेते हैं सो अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू से कि आपका कैलिबर डिसाइड करता है कि आप कितनी देर में आइल्स क्लियर करेंगे ना कि आपके रिश्तेदार और आपकी फैमिली के अगर किसी इंसान ने या स्टूडेंट ने की है वो नहीं डिसाइड करेंगे कि आप कितनी देर में आइल्स करेंगे सो स्टूडेंट्स डू वन थिंक कि ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि हाँ इतनी देर में आइल्स होती है उतनी देर में होती है सब देर में है आपको कितनी देर लगेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो मैं वीडियो में आपको यही बताना चाहती थी क्योंकि आई वॉज एनकाउंटरिंग सम स्टूडेंट्स जिनको ये इश्यूज आ रहे थे सो आई डिसाइडेड कि ये इश्यूज अगर उन स्टूडेंट्स के हैं तो आप लोगों के भी ये इश्यूज हो सकते हैं दैट इज वाई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इनलाइटन करूँ आपको बताऊँ कि स्टूडेंट्स ऐसी गलती छोड़ दें अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके आइल्स के रिजल्ट आ जाएँ सो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है दूर करना है और अपनी गलतियों पर काम करना है ताकि आप
आपके रिजल्ट्स जल्दी आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इन द कमिंग डेज आई विल बी गिविंग मोर डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स।